हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएसपी टेक चैनल। इस वीडियो में बहुत स्वागत है। सो भाई, आज की इस वीडियो में बात करूंगा व्हाट्सअप टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड कैसे लगाते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, हम व्हाट्सअप टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो फ्रेंड लोग हैं या फिर आपके काफ़ी सारे अपने फ़ोन को एंड्रॉयड फ़ोन को ले लेते हैं हमारे जो फ्रेंड होते हैं घर वाले, तो आप कोई व्हाट्सअप ओपन ना कर सकें। इसलिए हम टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगा देते हैं व्हाट्सअप के अंदर ताकि आपको ये हमारा व्हाट्सअप जो ओपन ना हो। आपका कोई भी फ़ोन ले लेता है आपका, तो आपको या व्हाट्सअप ओपन कर देखता है, तो आपका इससे कोई भी व्हाट्सअप ओपन नहीं होगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड लग के आ जाएगा। तो इसलिए हम अपने व्हाट्सअप के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसलिए कैसे लगा सकते हैं आप अपने व्हाट्सअप पर टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड ताकि आपको कोई भी बंदा आपके एंड्रॉयड फ़ोन के व्हाट्सअप को ओपन ना कर सके। तो इसलिए हम टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगा देते हैं। तो इस वीडियो में बताऊँगा आप कैसे लगा सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड और कैसे इसको डिसेबल कर सकते हैं, कैसे इसको हटा सकते हैं। तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को लेना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी दबा देना दोस्तों, ऐसे कि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकर चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, आप लोगों को बताता हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड कैसे लगाते हैं व्हाट्सअप के अंदर जाके आपके व्हाट्सअप को कोई भी ओपन ना कर सके, इसलिए आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगाते हैं। तो सब चलिए वीडियो कर देते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, सिंपली अगर मेरा एंड्रॉइड फ़ोन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सिंपली आप करने के होगा। देखिए, अगर आप भी अपने व्हाट्सअप के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो कर देना लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, हमें करने के होगा, देखिए आपको अपने व्हाट्सअप की ओर जाना होगा। जैसे कि मैं अपने व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको साइड में। तो थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको। मैं यहाँ पर मिल जाएगा सेटिंग ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा अकाउंट का ऑप्शन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड। तो देखिए, हम अपने टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोड लगाना चाहते थे, यहाँ पर आपको अनेबल करना होगा। अनेबल का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो पिन नंबर डालना चाहते हैं, कोड डालना चाहते हैं तो इस कोड को डाल देते हैं। तो सिंपली मैं एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, 1 से 6 तक कोड डाल दिया मैंने। तो यहाँ पर कन्फर्म योर पिन मानेगा, तो आपको ये भी यहाँ पर देना होगा कन्फर्म योर पिन, जैसे कि मैंने दे दिया। अब यहाँ पर आपको कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर ईमेल डालना पड़ता है, तो आप ईमेल नहीं डाल सकते यहाँ पर। आपकी इच्छा है ईमेल डालना चाहते हैं तो ईमेल भी डाल सकते हैं, ना तो वरना यहाँ पर आपको मिल जाएगा एस्केप का ऑप्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ एस्केप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करके यहाँ पर आपको जो ईमेल है वो नहीं मांगेगा, तो थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पर एस्केप हो चुका है हमारा, एस्केप हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर स्केप हो चुका है। अब स्केप करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जो यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो हमारा स्टेप टू वेरिफिकेशन कोड जो हमारा लग चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम अपने व्हाट्सअप को ओपन करेंगे, कुछ इसको यहाँ पर हटा देता हूँ मैं इसको। अब यहाँ पर हम व्हाट्सअप अपना ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड है वो डालना होता है। तो इसलिए हम अपने व्हाट्सअप के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगाते हैं ताकि हमारे व्हाट्सअप को कोई ओपन ना कर सके। तो यहाँ पर आप हम अपना पिन कोड डालेंगे जो कि हमने लगाया हुआ था, तभी हमारा व्हाट्सअप जो है ओपन होगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया, हमारा व्हाट्सअप ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से हम टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगाते हैं। अब आपको कुछ लोगों के मन में होगा कि हम लगाने के बाद इसको डिसेबल कैसे कर सकते हैं ताकि, तो यहाँ पर आपको फिर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना होगा, फिर सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर अकाउंट नंबर पे जाना होगा। धन्यवाद। यहाँ पर फिर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड को डाल यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आने वाला है डिसेबल का ऑप्शन। तो अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड लगा रखा है तो यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं आप। जो यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ पर डिसेबल मैंने कर दिया। अब जो हमारा जो हट चुका है टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड हमारा हट चुका है, तो हम अपने व्हाट्सअप को इस तरह से ओपन फिर कर लेंगे, अब हमारा जो टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लगाते हैं और इस तरह से हम इसको हटा भी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।